राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा की हर रात बड़ी हसीन हुआ करती है, लेकिन दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात चांद का सौंदर्य जो है वह देखते ही बनता है। पुराणों में यहाँ तक कि बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की सुंदरता को देखने निहारने के लिए देवी देवता भी जो दोस्तों स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान से चिटकती चांदनी ने केवल मनमोहक होती है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इस रात चिटकती चांदनी से जो है दोस्तों अमृत की बूंदें भी धरती पर गिरती हैं। शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व यह भी है कि दोस्तों इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन देवी लक्ष्मी जी के आगमन का दिन माना जाता है। और माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए विशेष तैयारियों के साथ साथ दोस्तों विशेष तरीके से पूजा आराधना जो है वह की जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कुछ उपाय भी कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से जो है हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन जो है हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र दिन माना गया है। इस दिन जो है दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास के साथ साथ मात्र आप ये छोटा सा काम भी कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूरा उजाला होता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, ठीक उसी तरह पूर्णिमा के दिन दोस्तों सकारात्मक शक्ति भी अपने चरम पर बनी रहती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लें तो हमारा भाग्य जो है वह बदल जाता है और हम दोस्तों सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन इन शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों पूजा में अगर कुछ प्रभावी उपाय भी किए जाएँ तो दोस्तों माता रानी की कृपा से हमारी सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसको करने से दोस्तों माता रानी की कृपा से हमारी जीवन की सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों आपको जो है एक पीपल से जुड़ा हुआ छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों पीपल में जो है माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। तो आइए जानते दोस्तों कौन सा काम करना है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसीलिए दोस्तों यदि आप धन की इच्छा रखते हैं, आप अपनी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का पूजन करें और लक्ष्मी जी को घर पर निवास के लिए आमंत्रित करें। इससे दोस्तों जो है आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में पीपल के पेड़ को देवों का देव भी कहा गया है। भगवद गीता में भी दोस्तों भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण ने सभी कहा था कि वह पीपल के पेड़ में वास करते हैं। इस पेड़ की पूजा से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रह नक्षत्रों के सभी दोष भी शांत होते हैं। ये वृक्ष दोस्तों धरती पर साक्षात श्री भगवान का रूप है। इसकी सेवा करने वाले व्यक्ति की झोली जो है हमेशा भरी रहती है। पद्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति हर रोज पीपल को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा कहते हैं उसकी लंबी उम्र होती है और समस्त पापों से जो छुटकारा पाकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप पीपल के पेड़ की जल की सिंचाई और परिक्रमा भी करते हैं तो भी दोस्तों आपकी लंबी उम्र के साथ साथ आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ भी खत्म होती हैं। तो दोस्तों आपको जो है शरद पूर्णिमा के दिन सुबह या शाम के समय आपको आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ हो मंदिर में, दोस्तों क्या प्रत्येक मंदिर में पीपल का पेड़ अवश्य ही लगा हुआ आता है, अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर दोस्तों आपको जाना है। वहाँ पर दोस्तों जाकर जो है आपको पीपल के पेड़ की जो है जल की सिंचाई अवश्य ही करनी चाहिए। और दोस्तों दरअसल जो इंसान
पीपल की पेड़ की पूजा करता है, उसके ऊपर दोस्तों भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो उसे अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और वह अपने जीवन में हमेशा सुखी पूर्वक रहता है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको जो है शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पास चले जाएं और वहां जाकर माँ देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। और दोस्तों ध्यान करने के बाद जो है दोस्तों उनके लिए आप प्रार्थना करें और आप जो भी कार्य चाहते हैं, जो भी आप मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं वह दोस्तों भगवान से मांग लें। फिर एक दोस्तों पीपल के पास सरसों देसी घी का दीपक जला लें और इसके अलावा दोस्तों सुगंधित धूप बत्ती भी आपको जो है पीपल के पास अवश्य ही लगा देनी है। इसके बाद दोस्तों जो है दीपक से आपको पीपल की 7 बार आरती करनी है। फिर इस पीपल के पेड़ को छूकर दोस्तों आपको जो है ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर दोस्तों पीपल के पेड़ को छूकर आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों ये जो मंत्र है ये भगवान विष्णु जी का दिव्य मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है और माता रानी भगवान विष्णु जी के कृपा से उनको जो है नई नई सफलता देखने को मिलती है। और ऐसे दोस्तों भाग्य चमकाने के लिए आप पीपल पर गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर तिलक करें, इससे भी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और आपके आसपास नज़दीक अगर हो सके तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप पीपल का पौधा लगाकर उसकी सिंचाई करते हैं दोस्तों तो आपके कुंडली के जो भी सभी ग्रह दोष हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। और पीपल के नीचे बने शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में चले आ रहे बुरा दौर जल्दी से जल्द खत्म होता है और अच्छे दिनों का आगाज भी बना रहता है। और ऐसे दोस्तों जो है अगर आप सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीपदान करते हैं तो इससे भी दोस्तों अदृश्य आत्मा भी तृप्त होकर आपका सहायक बन जाती है। और ऐसे ही शरद पूर्णिमा के दिन आपको पीपल की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी किसी भी काम में आ रही बाधाएं थी वह दोस्तों भगवान विष्णु माता रानी की कृपा से खत्म होने लगती हैं। दोस्तों पीपल से जुड़े आप ये काम करते हुए अगर आप आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। शरद पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए, यही कारण है कि इसको जागृति यानी कोजागर की रात भी कहा जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और दोस्तों इस दिन जो है शरद पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर की पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्यों माता लक्ष्मी जी का आगमन साफ सुथरे घर में होता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन पूरे घर को अच्छे से साफ सफाई करें। ध्यान रखें कि घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे, सभी स्थानों पर रोशनी की उचित व्यवस्था करें और इस दिन जो है रात के समय अपने घर के पूरे दरवाजों पर घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों दीपक जो आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे दोस्तों माता रानी जो है हमारे घर की ओर आकर्षित होती है और माता रानी हमारे घर के घर में प्रवेश अवश्य करते हैं। तो दोस्तों ये उपाय अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर